दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में यूं तो हमें कई तरह की लव स्टोरी बेस्ड मूवी देखने को मिली है, लेकिन शायद इनमें से किसी ने फिल्म देवदास का रिकॉर्ड तोड़ा हो, जिसने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल का कलेक्शन किया था। इस फिल्म की कहानी इतनी दमदार थी कि सभी इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर हो गए थे। साथ ही फिल्म में अभिनेता शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित के लव ट्रायंगल को भी खूब पसंद किया गया था, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। खबरों के मुताबिक फिल्म की इसी खासियत की वजह से फिल्म डायरेक्टर एक बार फिर इस फिल्म के सीक्वल को लेकर आने वाले हैं। जी हां, हमें जल्द ही फिल्म देवदास 2 देखने को मिलने वाली है। तो इसलिए आज के बारे इस वीडियो में हम आपको फिल्म देवदास 2 के बारे में बताने वाले हैं कि कौन सी होगी उसमें स्टार कास्ट, क्या कहानी होगी और फिल्म कब तक आएगी। तो अगर आप भी फिल्म देवदास 2 से जुड़ी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और साथ ही फिल्म इंडस्ट्री की सुपरहिट फिल्म के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साल 2002 में बड़े पर्दे पर प्रसारित की गई फिल्म देवदास एक लव स्टोरी ड्रामा फिल्म थी, जिसे फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनाया गया था। ये फिल्म देवदास बने शाहरुख खान और पार्वती चक्रवर्ती बनी ऐश्वर्या राय बच्चन की प्रेम कहानी पर आधारित थी, जहां देवदास पार्वती को पाने में नाकामयाब होने की वजह से काफी चुनौती भरे सफर का सामना करता है और आखिर में अपने प्यार को पाने की कोशिश करते करते अपनी जान गंवा देता है। बस यही थी फिल्म की कहानी, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया था। साथ ही फिल्म में अभिनेता शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की लव केमिस्ट्री के साथ साथ अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के किरदार ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया था, और फिल्म की इसी खासियत की वजह से इस फिल्म ने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। खबरों के मुताबिक फिल्म की इसी खासियत की वजह से फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली एक बार फिर इस फिल्म के सीक्वल को बनाने वाले हैं। जी हां, हमें जल्द ही फिल्म देवदास 2 देखने को मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी पर काम भी शुरू हो चुका है और फिल्म पहले से भी ज्यादा रोमांटिक होने वाली है, जिसमे हमें इमोशंस के साथ साथ एक्शन और रोमांस का भी डबल डोज दिखेगा। साथ ही फिल्म में हीरो और विलन के बीच भी काफी टफ कॉम्पिटिशन फिल्म आया जाएगा, जो कि फिल्म को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की, तो इस बार फिल्म में बॉलीवुड इंडस्ट्री के यूथ आइकन कहे जाने वाले अभिनेता टाइगर श्रॉफ को मेन लीड एक्टर के तौर पर अप्रोच किया गया है। वहीं फिल्म में इनके ऑपोजिट अभिनेता शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और अजय देवगन की बेटी न्यासा देवगन को अभिनय करते हुए देखा जाएगा। लेकिन अभी तक इस बात से पर्दा नहीं उठा है कि फिल्म में अभिनेता टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट इनमें से किस अभिनेत्री को अभिनय करते हुए देखा जाएगा, और न ही इनमें से किसी कलाकार ने इस फिल्म के लिए अपनी कंफर्मेशन दी है, जिसे देखकर लगता है कि अभी हम सभी को इस फिल्म के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जब से दर्शकों को इस फिल्म के बारे में पता चला है, तब से दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर काफी क्रेज दिख रहा है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं फिल्म देवदास 2 में अभिनेता टाइगर श्रॉफ, सुहाना खान और न्यासा देवगन के लव ट्रायंगल को देखने के लिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।